अभी चल रहे न्यूज की बात करें तो पायल घोष ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। हाल ही में अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट करते हुए ये आरोपों को बेबुनियाद कहा है। चलिए थोड़ा और जानते हैं कौन है पायल घोष। पायल घोष एक इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने अभी 2018 में ही अपना बॉलीवुड में कदम रखा है। पायल घोष का जन्म 13 नवंबर 1989 में हुआ था, यानी 2020 के हिसाब से उनकी उम्र है 30 साल। पायल घोष की स्टडी की बात करें तो उन्होंने सेंट पॉल मिशन स्कूल कोलकाता से अपना स्कूलिंग किया है और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन भी किया है। करंटली पायल घोष मुंबई में रहती है। पायल घोष के करियर की बात करें तो पायल घोष ने 17 साल की उम्र से शार्पेश पैरेल नाम की एक इंग्लिश मूवी का ऑडिशन दिया था और उनको फिर वो फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। पायल घोष ने एक कैनेडियन मूवी में भी काम किया है जिसमें वो एक स्कूल गर्ल का किरदार निभा रही थी। फिर 2009 में उनको प्राणायाम नाम की एक तेलुगु मूवी में काम करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कई सारी कन्नड़ और तेलुगु मूवी में काम किया है। साल 2017 में यानी 3 साल पहले उनको बॉलीवुड की मूवी पटेल की पंजाबी शादी में परेश रावल और ऋषि कपूर थे उसमें ब्रेक मिला। पायल घोष के टेलीविजन करियर की बात करें तो रसोड़े में कौन था सीरियल सात दीवाना साथिया में वो राधिका का किरदार निभा चुकी हैं। पायल घोष का जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ है और वो अभी सिंगल है। पायल एक पेट लवर है और उन्होंने अपने पेट के साथ की कई सारी फोटोज अपने सोशल मीडिया पे शेयर की है। पायल घोष ने इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाकर बहुत सारी मदद की है। पायल घोष के कार कलेक्शन की बात करें तो पायल घोष के पास एक BMW कार है। पायल घोष टीवी मूवीज के अलावा कई सारी एड्स में भी काम कर चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।